सबसे बड़ा राम का नाम जो सुमिरे भोपार हो जाए। बनेंगे बिगड़ सारे काम रे प्राणी उद्धार हो जाए। राम से बड़ा राम का नाम जो सुमिरे भोपार हो जाए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। महर्षि वाल्मीकि जो अपने प्रारंभिक जीवन में कठोर नास्तिक हुआ करते थे, किसी ने उन्हें मरा मरा कहने की आदत लगा दी। मरा का उल्टा राम होता है और राम नाम की जाप का असर ये हुआ कि वाल्मीकि तीनों लोकों के प्रसिद्ध विद्वान महर्षि वाल्मीकि बने और पूरी दुनिया जानती है कि प्रभु श्री राम की जीवनी रामचरितमानस की रचना उन्होंने ही की। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भूल गए उनके पाप तमाम, परम पद अंत में पाए। सुमिरि पवन सुत पावन नामा, अपने वश करी राखे उरामा। सुमिरि पवन सुत पावन नामा, अपने वश करी राखे उरामा। वीर हनुमान जिन्हें भक्त शिरोमणि हनुमान कहा जाता है, उनकी तुलना ऐसे भक्तों में की जाती है जिनके वश में उनके भगवान भी रहते हैं। ये सारा कमाल तो प्रभु श्री राम का है जो ऐसे दयालु हैं कि उनका नाम जो भी सच्चे हृदय से पुकारता है, प्रभु श्री राम हर पल उसके समीप रहते हैं। और इसीलिए रामायण में भी कहा गया है, सुमिरि पवन सुत पावन नामा, अपने वश करी राखे ओ रामा। सुमिरि पवन सुत पावन नामा, अपने वश करी राखे ओ रामा। है उनके दिल में बसे श्री राम वो सीना फाड़ दिखलाए। कौशल्या माँ ध्यान लगाई, पुत्र रूप में राम को पाई। कौशल्या माँ ध्यान लगाई, पुत्र रूप
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, मगर उनके जन्म से संबंधित एक बड़ी ही रोचक कहानी है। राजा दशरथ जब पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करा रहे थे, तब अग्निदेव हाथ में घील लेकर प्रकट हुए और माता कैकेयी, माता कौशल्या और माता सुमित्रा को दिए। तब जाकर माता कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया। कौशल्या माँ ध्यान लगाए, पुत्र रूप में राम को पाए। अवध में जन्म लिए श्री राम जो पावन धाम कहलाए। पाप और पापी से हारे, धरती से जब संत पुकारे। त्रेता युग में एक वक्त था जब सारे ऋषि महर्षि राक्षसों के अत्याचार से परेशान रहा करते थे। राक्षस ऋषियों के हर पुनीत कार्य में बाधा डाल दिया करते थे। ऋषियों की पुकार सुनके भगवान विष्णु प्रभु श्रीराम के रूप में धरती पर आए तथा भक्त और धर्म की रक्षा के लिए सारे राक्षसों का वध किया और फिर ऋषिगण खुशी खुशी अपनी कुटिया में रहने लगे। पाप और पापी से हारे, धरती से जब संत पुकारे। राम की असुरों का संहार, धर्म ध्वज आके लहराए। जन्म लेत तुलसी बोले राम, राम बोला बड़ा उनका नाम। रामायण के रचयिता महाकवि तुलसीदास जी, जिनका जब जन्म हुआ था तो उनके मुंह से पहला शब्द जो निकला था वो राम था। तब लोगों ने उनका नाम राम बोला रखा था। बड़े बड़े ज्ञानियों ने ये अनुमान पहले ही लगा लिया था कि ये बच्चा बड़ा होकर बहुत बड़ा विद्वान बनेगा, और ठीक वैसा ही हुआ। महर्षि तुलसीदास को कौन नहीं जानता। जन्म लेत तुलसी बोले राम, राम बोला पड़ा उनका नाम। अंत में दर्श दिए श्री राम, रामायण उनसे लिखवाए।
राम नाम पत्थर तैराए, सागर पे से तू बंधवाए। लंका पर चढ़ाई करने के लिए जब समुद्र पर पुल बनाया जा रहा था, तब नलनील जिस पत्थर पर राम लिख दे रहे थे वो पत्थर तैर जा रहा था। प्रभु श्री राम ने भी एक पत्थर पर राम लिखकर उसको जैसे ही फेंका वो पत्थर डूब गया। हैरान होकर प्रभु श्री राम ने नलनील से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तब नलनील ने बड़ी ही गंभीर बात प्रभु श्री राम को बताई कि भगवान, आप जिसे छोड़ दें उसे डूबने से भला कौन बचा सकता है। राम नाम पत्थर तैराए, सागर पे से तू बंधवाए। शिला पे लिख दिया श्री राम वो पत्थर डूब ना पाए। शबरी बैठी आस लगाए, कुटिया में प्रभु राम जी आए। शबरी बैठी आस लगाए, कुटिया में प्रभु राम जी आए। आज इंसान जात पात के चक्कर में इंसान से ही नफरत करने लगा है, मगर हम जिनकी पूजा करते हैं वो प्रभु श्री राम एक भीलनी के हाथ का जूठा बेर खाए थे। उसी जूठे बेर को लक्ष्मण जी ने खाने से इनकार कर दिया था। फिर उसी बेर का उपयोग लक्ष्मण जी की जान को बचाने के लिए किया गया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का ये गुण जिसका हम सबको पालन करना चाहिए। शबरी बैठी आस लगाए, कुटिया में प्रभु राम जी आए। भगत के वश में हुए भगवान वो झूठे बेर भी खाए। हमारे इस चैनल भक्ति धाम को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे, बिल्कुल मुफ्त। श्री रघुवीर भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। निश दिन ध्यान धरे जो कोई, तासम भक्त और नहीं होई। ध्यान धरे शिव जी मन माही, ब्रह्मा इंद्र पार नहीं पाई। जय 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 रघुनाथ कृपाला, सदा करो संतन प्रतिपाला। दूत तुम्हार वीर हनुमाना, जासु प्रभाव तिहुपुर जाना। तब भुज दंड प्रचंड कृपाला, रावण मारि सुरन प्रतिपाला। अनाथ
नाथ के नाथ गोसाई, दीनन के हो सदा सहाय। ब्रह्मादिक तब पार न पावे, सदा ईश तुम्हरो यश गावे। चारे वेद भारत है साखी, तुम भक्तन की लजा राखी। गुण गावत शारद मन माही, सुर पतिता को पार ना पाही। नाम तुम्हार लेत जो कोई, तासम धन्य और नहीं होई। राम नाम है अपरंपारा, चारे वेदन जाहि पुकारा। गणपति नाम तुम्हारो लीनो, तिनको प्रथम पूज तुम कीनो। शेष रटत नित नाम तुम्हारा, महि को भार शीश पर धारा। समान रहत सोभारा, पावन को तुम्हरो पारा। भरत नाम तुम्हरो उर्धारो, तासो कबहु नरण में हारो। नाम शत्रुहन हृदय प्रकाशा, सुमिरत होत शत्रु कर नाशा। लशन तुम्हारे आज्ञाकारी, सदा करत संतन रखवारी। ताते रण जीते नहीं कोई, युद्ध जुरे यमहू किन होई। महालक्ष्मी धर अवतारा, सब विधि करत पाप को चारा। सीता नाम पुनीता गायो, भुवनेश्वरी प्रभाव दिखायो। घट सो प्रकट भई सो आई, जाको देखत चंद्र लजाई। चरणन में लोटत सिद्ध अठारह मंगलकारी। सो तुम पर जावे बलिहारी, और जो अनेक प्रभुताई। सो सीता पति तुम ही बनाई, इच्छा ते कोटिन संसारा। रचत न लागत पल की बारा, जो तुम्हारे चरणन चित लावे, ताकि मुक्ति अवश्य हो जावे। जय 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 प्रभु ज्योति स्वरूपा, निर्गुण ब्रह्म अखंड अनुपा। सत्य 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 व्रत स्वामी, सत्य सनातन अंतर्यामी। सत्य भजन तुम्हरो जो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। सत्य शपथ गौरी पति कीनी, तुमने भक्ति ही सब सिद्धि दीनी। सुनहु राम तुम तात हमारे, तू ही भरत कुल पूज प्रचारे। तुम ही देव कुल देव हमारे, तुम गुरुदेव प्राण के प्यारे। जो कुछ हो सो तुम ही राजा, जय 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 प्रभु राखो लाजा।
दशरथ दुलारे ज्ञान हृदय दो ज्ञान स्वरूपा नमो नमो जय जगपति भूपा धन्य धन्य तुम धन्य प्रतापा नाम तुम्हार हरत संतापा सत्य शुद्ध देवन मुख काया बजी तुम दुभी शंख बजाया सत्य सत्य तुम सत्य सनातन तुम ही हो हमरे तन मन धन या को पाठ करे जो कोई ज्ञान प्रकटता के उर होई आवागमन मिटे तिहि केरा सत्य वचन माने शिव मेरा और आस मन में जो होई मन वांछित फल पावे सोई तीनहु काल ध्यान जो लावे तुलसी दल अरु फूल चढ़ावे साग पत्र सो भोग लगावे सोनर सकल सिद्धता पावे अंत समय रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई श्री हरिदास कहे अरु गावे सो वैकुंठ धाम को जावे सात दिवस जो नेम कर पाठ करे चित लाए हरिदास हरि कृपा से अवश्य भक्ति को पाए राम चालीसा जो पढ़े राम चरण चित लाए जो इच्छा मन में करे सकल सिद्ध हो जाए।